हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। टुडे वी विल डिस्कस बीटा एंड गामा फंक्शन पार्ट थर्ड इन इंटीग्रल कैलकुलस। स्टूडेंट, आज के लेक्चर को पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करते हुए इसमें पांच इम्पॉर्टेंट डिडक्शन प्रूफ करेंगे, जिसमें जो हमारे एज ए क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एज ए फॉर्मूला भी इनको हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसमें है प्रूफ ऑफ गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इक्वल टू पाई ओवर साइन एन पाई। सेकंड है गामा वन प्लस एन इंटू गामा वन माइनस एन इक्वल टू एन पाई ओवर साइन एन पाई। थर्ड इज गामा हाफ इक्वल रूट पाई। फोर्थ, 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन एम थीटा इंटू कॉस एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा एम प्लस वन बाई टू इंटू गामा एन प्लस वन बाई टू ओवर टू ट्वाइस ऑफ गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू। एंड लास्ट इज गामा एम इंटू गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल रूट पाई ओवर टू टू दी पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिडक्शन को, या फर्स्ट फार्मूला भी कह सकते हैं इसे, हम फर्स्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। वी नो दैट बीटा एम एन की वैल्यू हमें पता है क्या होगी, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, गामा m इंटू गामा n ओवर गामा m प्लस n। पुटिंग m प्लस एन इक्वल टू वन और m इक्वल टू वन माइनस एन, ये इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा गामा n इंटू गामा वन माइनस एन ओवर गामा वन इक्वल टू बीटा n वन माइनस एन। इसको हमने वन कह दिया है। वी हैव बीटा m n इज इक्वल 0 to ∞ y टू द पावर n माइनस वन ओवर वन प्लस y टू द पावर m प्लस n डी वाई। तो बीटा n इंटू एन वन माइनस n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to ∞ y टू द पावर n माइनस वन ओवर वन प्लस y डी वाई इक्वल, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है पाई ओवर साइन n पाई व्हेन n इज लेस देन वन। फ्रॉम इक्वेशन वन को इससे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इक्वल पाई ओवर साइन एन पाई। नाउ कम टू सेकंड डिडक्शन, इसमें प्रूफ करना है गामा वन प्लस एन इंटू गामा वन माइनस एन इक्वल टू एन पाई ओवर साइन एन पाई। फर्स्ट पार्ट में हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया है गामा एन इक्वल इंटू गामा वन माइनस एन इक्वल पाई ओवर साइन एन पाई। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एन वी गेट, हमें मिल जाएगा गामा एन इंटू गामा एन इंटू वन गामा वन माइनस एन इक्वल एन पाई ओवर साइन एन पाई विच इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा गामा वन प्लस एन इंटू गामा वन माइनस एन इक्वल एन पाई ओवर साइन एन पाई। नेक्स्ट है प्रूव गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये क्वेश्चन, ये हमारा फार्मूला। वी हैव गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इक्वल पाई ओवर साइन एन पाई, पुट एन इक्वल हाफ, वी गेट गामा हाफ इंटू गामा वन माइनस वन बाई टू इज इक्वल पाई ओवर साइन पाई बाई टू, या आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और तो गामा हाफ स्क्वायर इक्वल पाई, देन इम्प्लाइज दैट गामा हाफ इक्वल रूट पाई। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रूव दैट 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन एम थीटा इंटू कॉस एन थीटा डी थीटा इज इक्वल गामा वन एम प्लस वन बाई टू गामा एन प्लस वन बाई टू ओवर ट्वाइस ऑफ गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू। इसके प्रूफ के लिए क्या करेंगे, वी हैव
बीटा पी क्यू इक्वल 0 to 1, एक्स टू द पावर पी माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर क्यू माइनस 1 डी एक्स विच इज इक्वल टू गामा पी गामा क्यू गामा ओवर गामा पी प्लस क्यू. इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे पुटिंग एक्स इक्वल साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. वी गेट यहाँ से वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर पी माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स क्यू माइनस 1 डी एक्स 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर पी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर क्यू माइनस 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा देखिए ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन टू द पावर 2π-1 थीटा कॉस 2 की पावर 2 क्यू माइनस 1 थीटा डी थीटा. और इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 0 to π/2 साइन 2π-1 थीटा कॉस 2 क्यू माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल 1/2 बीटा पी क्यू विच इज इक्वल गामा पी इंटू गामा क्यू ओवर ट्वाइस ऑफ गामा पी प्लस क्यू. अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2π-1 इक्वल टू एम एंड 2q-1 इक्वल टू एन. पी की वैल्यू होगी एम प्लस 1/2 एंड क्यू की वैल्यू होगी एन प्लस 1/2. वी गेट द इंटीग्रेशन दे जो इंटीग्रेशन हमें निकालना है 0 to π/2 लिमिट है साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा इज इक्वल गामा एम प्लस 1/2 गाम इंटू गामा एन प्लस 1/2 ओवर ट्वाइस गामा एम प्लस एन माइनस 2 ओवर 2. स्टूडेंट ये एक बड़ा क्वेश्चन की तरह एग्जाम में पूछा जाता है और इसको डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने में. डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये. डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस में. लास्ट है हमारे पास टू प्रूव दैट गामा एम इंटू गामा गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल रूट पाई ओवर ट्वाइस 2 to the power 2m-1 इंटू गामा 2m. इसका प्रूफ होगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी ये हमारी आ जाती है गामा m इंटू गामा n ओवर 2 γ m+n. इसे हमने 1 कह दिया. इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 2n-1 को 0 n इक्वल टू 1/2 वी गेट 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल हो जाएगा हमारा गामा एम गामा हाफ ओवर 2γ m+1/2 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा गामा एम रूट पाई इसकी वैल्यू रख दी हमने रूट पाई 2 into γ m+1/2 इसको हमने सेकेंड कह दिया है. अगेन इसमें पुट किया एन इक्वल टू एम इन इक्वेशन 1 वी गेट 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n m-1 थीटा इज इंटू डी थीटा इज इक्वल टू गामा एम का स्क्वायर ओवर 2 into γ 2m. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 to the power 2m 0 to π/2 साइन 2θ 2 की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा सॉरी ये हमारा डी थीटा इज इक्वल टू गामा एम स्क्वायर ओवर 2 into γ 2m. इसमें पुट कर देंगे 2θ = φ एंड 2dθ = dφ वी गेट 1/2 to the power 2m इंटीग्रेशन 0 to π लिमिट्स इसमें चेंज हो जाएंगे साइन
टू एम माइनस वन फाई डी फाई इज इक्वल गामा एम होल स्क्वायर ओवर टू गामा टू एम। विच इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे, टू ओवर टू टू द पावर टू एम इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर टू एम माइनस वन फाई डी फाई इक्वल गामा एम स्क्वायर ओवर ट्वाइस और इन टू गामा टू एम। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन फाई डी फाई इज इक्वल टू टू द पावर टू एम माइनस वन गामा एम स्क्वायर ओवर टू इन टू गामा टू एम। इक्वेटिंग दीज टू वैल्यूज ऑफ ज़ीरो इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन थीटा डी थीटा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री, ये वैल्यू हम इक्वेट कर देंगे। हमने कैलकुलेट करी इसकी वैल्यू जो हमारी आ जाएगी टू टू द पावर टू एम माइनस वन गामा एम स्क्वायर ओवर टू इंटू गामा टू एम इज इक्वल गामा एम रूट पाई ओवर टू गामा एम प्लस वन बाई टू। इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा गामा एम इंटू गामा एम प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू रूट पाई ओवर टू टू द पावर टू एम माइनस वन गामा टू एम। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे थोड़े टिपिकल टाइप का है लास्ट वाला डिडक्शन, तो इसको दो तीन बार करिए, ये आपको समझ में आ जाएगा और अपनी बुक को भी कंसल्ट करिए। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।